हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जिसे अगर आप संजीवनी भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसे अपनी डाइट में शामिल करने के, इसे लेने के इतने सारे आपको फायदे ही होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पिस्ता के बारे में। अगर आप इसे डेली बेसिस पर लेते हैं या वीक में 2-4 बार भी लेते हैं, इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो इसके आपको कई सारे फायदे होते हैं। तो वो क्या फ़ायदे होते हैं और आप इसे किस किस तरह से ले सकते हैं, किन किन डिशेज में ले सकते हैं, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, यही मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले पिस्ता जो है वो भरपूर पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दूसरा जो होता है वो इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें कैलोरीज जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ब्रेन को काफ़ी शार्प करता है, ब्रेन को स्वस्थ रखता है, ये आपको आपके ब्रेन को शार्प करने में हेल्प करता है। अगर आप इसे अपने बच्चों को देते हैं या फिर आप खुद लेते हैं, इसे कोई भी लेता है, तो ये आपको आपके ब्रेन को शार्प करने में, उसे स्वस्थ रखने में, हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। वजन को, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, आपको अपना वेट कम करना है, तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसे क्योंकि ये जो होता है वो आपको वजन कम करने में भी हेल्प करता है। इससे कैंसर के काफ़ी खतरा कम हो जाता है, इसे कैंसर का काफ़ी कैंसर के रिस्क को भी कम करता है ये, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए, आपके लिए। और इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो है वो पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, थायमिन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के, फोलेट, प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैट्स, कार्ब्स जैसे पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा होता है पिस्ता हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए, और ये आपकी आँखों के लिए, आपकी आँखों को स्वस्थ रखने में काफ़ी हेल्प करता है। तो एक तरह से कह लें कि ये आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को ही स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है, पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है ये, चाहे फिर आपकी आँखें हों, चाहे आपके बाल हों, हर चीज़ में आपको हेल्प करता है। पिस्ता को बहुत सारे अलग अलग नेम्स, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो कौन कौन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है पिस्ता को, कौन कौन से नामों से जाना जाता है, मैं आपको बताती हूँ। पिस्ता को गुली पिस्ता, मुकुलक, चारूफल और ग्रीन आलमंड के नाम से भी जाना जाता है। अब आप इसे किस तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, ये इस बारे में बात करने वाली हूँ मैं। तो ये बेसिकली जो होता है वो स्वीट डिशेज में यूज़ होता है। तो इसमें इसे जो है आप कुकीज़ में ऐड कर सकते हैं, कुकीज़ में डाल सकते हैं वो, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इसे खीर में आप ऐड कर सकते हैं, खीर में ले सकते हैं, खीर के स्वाद को, खीर के स्वाद में भी एक 4 चांद लगा देगा। इसे आप भिगो कर ले सकते हैं, रात में भिगो दीजिए, सुबह आप ले सकते हैं। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, निकाला और खा लिया, तो आप इस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं। ये हर तरह से आपकी बॉडी को अच्छा रखता है, हेल्दी रखता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो ईरान, अफ़गानिस्तान में ये बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड में अगर बात करें तो इटली, सीरिया, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र एवं इराक में भी ये पाया जाता है, बट ईरान एंड अफ़गानिस्तान में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।